नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर आरएसएस के दिग्गज नेता इंद्रेश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और आरएसएस के नेता ने राहुल को अज्ञान का मास्टर बताया। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत और तेज हो रही, आखिर क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखें। मैं राहुल के लिए एक ही कहा करता हूँ कि वह अपने अज्ञान का मास्टर है। कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान की गर्मी अभी तक ठंडी नहीं हुई है। आज तक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, चारों ओर बयान को लेकर जुबानी जंग जारी है। इसी बीच आरएसएस के दिग्गज नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी को अज्ञान का मास्टर बताया, साथ ही भगवान से राहुल को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल जिंदगी भर सियाराम में ही अंतर करते रहेंगे, जबकि सियाराम राम से या राम सिया से अलग नहीं है। आरएसएस नेता ने कांग्रेस पर सत्ता हासिल करने के लिए विदेशियों की मदद लेने के आरोप लगाए। मैं राहुल के लिए एक ही कहा करता हूँ कि वह अपने अज्ञान का मास्टर है। उन्होंने ये बता दिया कि वह अपनी सत्ता के लिए विदेशियों से भी हाथ मिला सकते हैं। आरएसएस नेता ने आगे कहा, ईश्वर कांग्रेस को सद्बुद्धि दे ताकि हम जिन विदेशियों से लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, सत्ता के लिए वह उनसे ही हाथ मिलाना बंद कर दे। हमने जिनसे सदियों लड़ाई लड़ी, आज वही सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए उनसे मदद मांग रहे हैं, यानी वह भारत को गुलामियों की ओर ढकेल सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल पर हमला करते हुए कहा कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ, उन्हें खुद को लोकतंत्र की समझ नहीं है और वो लोकतंत्र में ही गलतियां निकाल रहे हैं। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। बहरहाल राहुल के बयान का विरोधी लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा रही है। अब ऐसे में ये जुबानी जंग कब तक जारी रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।